विजय चौक तक मार्च किया और विरोध जताया कि हमें सस्पेंड कर दिया गया है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा है कि लोकतंत्र आज निश्चित रूप से देख रहे हैं सुरक्षित है, और लोकतंत्र तो खतरे में उस समय था जब आपने देखा होगा कि आपातकाल के अंदर, और आज जब सदन को चलाने की बात आई तो सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, और नियम प्रक्रिया बनाने वाले सांसद सदस्य होते हैं, और उनको तोड़ना और बाधा करना अगर बाधित करते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आसन ने जिस तरह से उनको कार्रवाई की है, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवार लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकारी लोग हैं, और इस तरह की सदन को भी बाधित करना और उसके बाहर आने के बाद जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी के ऊपर उन्होंने मिमिक्री करके और जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया, और एक तरह से किसान कौम को जिस तरह से बदनाम करने का काम किया, तो इनकी मानसिकता तो पहले से ही स्पष्ट हो रही है कि इनको सदन में आना नहीं है, इनको जनता की आवाज से, जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, इनका सिर्फ एक उद्देश्य हंगामा करना, और हंगामा करना इनका मकसद है, इनको जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं है, इसीलिए जनता ने इनको सदन के अंदर कुछ जगह पर सीटों के ऊपर लाकर बिठा दिया, और आने वाले समय में इतने भी सदस्य जीत कर नहीं आएंगे जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ये सदन को बाधित कर रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।